गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी फॉर क्लास सिक्स सोशल स्टडीज पार्ट थ्री सिविक्स। आज हम क्लास सिक्स सोशल स्टडीज के सिविक्स नागरिक शास्त्र पढ़ेंगे। बच्चों, इसमें हमने फर्स्ट वीडियो शेयर किया था, आगे पढ़ते हैं। रीजनल डिफरेंसेस, क्षेत्रीय अंतर। What clothes we wear and how we wear them are also influenced by what people around us wear. In some region, the men wear turbans, in some caps, and in some they may wear lungis or dhotis. Most of our dresses and food habits have come from our ancestors. Those who lived in hot area or headgear like a turban so as to save their head from the scorching heat. Similarly, the people who lived in area which get lot of rain wear clothes which are normally kept knee length so that they do not get wet when walking through waterlogged area, rice field, etc. Kya kapde hum pehante hain, कैसा वह पहनावा जो होता है, यह हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम अपने जो चारों तरफ के जो लोग होते हैं इस चीज़ को पहनते हैं। कुछ क्षेत्रों में जो लोग होते हैं टर्बन पगड़ी पहनते हैं, कुछ क्षेत्रों में टोपी पहनते हैं, कुछ जगहों पर लोग लुंगीज या धोती का उपयोग करते हैं। अधिकतर जो पहनावा होता है, जो भोजन की जो आदतें होती हैं, वो हमारे वहाँ के क्षेत्रीय रीति रिवाज से आती हैं। ऐसे लोग जो हॉट एरिया में रहते हैं तो वहाँ पर लोग टर्बन का, पगड़ी का उपयोग करते हैं। टर्बन जो पगड़ी का उपयोग करते हैं क्योंकि वहाँ जो रोशनी होती है सूर्य की, वो बहुत तेज़ होती है अपने सर को बचाने के लिए। ठीक वैसे ही जो लोग जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है तो लोग वहाँ पर ऐसे कपड़े पहनते हैं जो केहुनी लेंथ तक ही कपड़े आते हैं और वे गीले नहीं होते हैं, और लोग आसानी से टहलते हुए पानी में ही क्षेत्रों में या राइस फील्ड में वहाँ पे लोग आसानी से यातायात कर सकते हैं। फूड पैटर्न, द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इन ए पार्टिकुलर रीजन आल्सो सेट्स अ पैटर्न ऑफ फूड प्रेफरेंसेस। द प्लेन्स ऑफ पंजाब यूज टू ग्रो मोर व्हीट सो पीपुल एट मोर चपातीज वेयर आर मेड ऑफ वेट। दो इन एरिया विच ग्रीव राइस लाइक आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एक्सेट्रा बिकेम राइस ईटर्स। दोज हु स्टेड इन ड्राई रीजन्स लाइक राजस्थान वेयर ग्रेन्स लाइक बाजरा आर वाज ग्रोन स्टार्टेड ईटिंग दीज अ बेसिक फूड्स। दोज क्लोज टू द सी एंड रिवर्स स्टार्टेड ईटिंग फिश एंड अदर्स who did not have much of agricultural produce around them became more and more meat eaters. भोजन की जो उपलब्धता होती है वो किसी एक क्षेत्र में वहाँ के भोजन के महत्व उत्पादन के ऊपर निर्भर करता है। पंजाब के जो समतल पर ज़्यादा मात्रा में गेहूँ का उपयोग किया जाता है, इसलिए वहाँ के जो लोग होते हैं चपाती रोटी ज़्यादा खाते हैं और वह गेहूं से बना होता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जहां चावल उगाया जाता है, जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल इत्यादि ऐसे जगह हैं जहां चावल ज़्यादा होता है, वहां पे चावल खाने वाले लोग होते हैं। और कुछ ऐसे सूखे क्षेत्र में रहते हैं जैसे राजस्थान, जहां पर बाजरा होता है, बाजरा उगाया जाता है और वहाँ पर लोग एक आधारभूत भोजन के रूप में इसे खाते हैं। जो समुद्री और नदी के पास रहते हैं वहाँ पर लोग मछली खाते हैं, और कुछ अन्य ऐसे होते हैं जो कृषि से उत्पन्न होता है वो वहाँ पर उपयोग करते हैं, और यहाँ कारण होता है मछली नहीं हो पाती है तो लोग वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में मांस खाने वाले होते हैं। विद द पासिंग ऑफ टाइम सच ड्रेस एंड फूड पैटर्न बिकेम ट्रेडिशनल विच रिलेट टू पीपल फ्रॉम अ रिलीजन आर रिलीजन। जो समय गुजरता गया और ऐसे पहनावा, जो भोजन था, एक रूपरेखा, एक रीति रिवाज बना और लोग वहाँ से कैसे जुड़े,
या तो वहाँ पर क्षेत्र के अभाव से जुड़े या फिर वहाँ की संस्कृति से। रिलीजियस बिलीफ, धार्मिक आस्था। रिलीजन ओवर अ पीरियड हैज़ बीन अ बिग बाइंडिंग फोर्स अमॉन्ग पीपल्स। डिफरेंट पीपल बिलीव इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गॉड। दे हैव डिफरेंट फेथ एंड फॉलो डिफरेंट रिचुअल एंड कस्टम्स। दे हैव डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ प्रेयर्स एंड ऑल दिस लेट्स देम टू बी लिविंग डिफरेंट वे टू द लाइफ। द हिंदूज गो टू टेम्पल एंड सिख गो टू गुरुद्वारा। द मुस्लिम गो टू मस्जिद एंड द क्रिश्चियंस गो टू द चर्चेज। धर्म जो कि एक समय से चलता हुआ एक बड़ा रूप है, जहाँ पर लोग बलपूर्वक जो कि एक चीज़ करते हैं, विभिन्न प्रकार के लोग विभिन्न प्रकार के ईश्वर की पूजा करते हैं, वे विभिन्न प्रकार की आस्था और विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज और वहाँ से जुड़े होते हैं। वे विभिन्न प्रकार के तरीके से प्रार्थना करते हैं और वे विभिन्न प्रकार के तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हिंदू मंदिर जाता है, बच्चों आप लोग हिंदू हैं तो हिंदू में जितने भी जैसे यादव हुआ, सोनार हुआ, सिंह हुआ, ब्राह्मण हुआ, छत्री हुआ, चमार जो किसे कहते हैं, चमार हुआ, हरिजन जिसे बोलते हैं, ये सभी जो लोग होते हैं वो हिंदू कहलाते हैं। हम हिंदू हैं, हम सभी मंदिर जाते हैं, मंदिर में गणेश भगवान, शंकर भगवान, लक्ष्मी माता इन सब की पूजा करते हैं। सिख लोग जो हैं वो गुरु की पूजा करते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, मुसलमान मस्जिद जाते हैं और जो ईसाई होते हैं वो चर्च जाते हैं। देखिए बच्चों, ये गुरुद्वारा का फ़ोटो दिया गया है जो कि सिख के लिए ये बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। और ये जो फ़ोटो आप लोग देख रहे हैं बच्चों, ये अमृतसर का है, जिसे स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया। भारत में विभिन्नता के जो गुण हैं उसके बारे में दिखाया है। द रीजनल डिफरेंसेस हैव ब्रॉट अबाउट मेनी पिक्यूलियर करैक्टरिस्टिक्स इन डाइवर्सिटी वी सी एवरी डे अराउंड अस। लेट अस सी देम वन बाय वन। जो क्षेत्रीय अंतर होता है वह कई प्रकार के गुण को, जो विभिन्नता होती है देखने को, प्रत्येक दिन हम चारों तरफ देखते हैं, हम उसे एक एक करके समझेंगे, देखेंगे। लैंग्वेजेज, भाषाएं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है रिकॉग्नाइज 22 प्रिंसिपल लैंग्वेज। लैंग्वेज हैव कम इनटू प्रोमिनेंस फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स। पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, लाइक पंजाबी इन पंजाब, बंगाली इन वेस्ट बंगाल, तमिल इन तमिलनाडु, तेलुगु इन आंध्र प्रदेश, कन्नड़ इन कर्नाटका, मलयालम इन केरला, मराठी इन महाराष्ट्र, हिंदी इन मोस्ट पार्ट ऑफ द सेंट्रल इंडिया इंक्लूडिंग मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा एंड सो ऑन। भारतीय संविधान में 22 मुख्य भाषाएं जो कि वर्णित की गई हैं, भाषाएं जो कि हमारे विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों से आती हैं, जो लोग होते हैं विभिन्न प्रकार के, हमारे भारत के विभिन्न भाग से भाषाएं विभिन्न प्रकार के बोलते हैं। जैसे पंजाब के लोग पंजाबी, पश्चिम बंगाल के लोग बंगाली, तमिलनाडु के लोग तमिल, आंध्र प्रदेश के लोग तेलुगु, कर्नाटका के लोग कन्नड़, केरला के लोग मलयालम, महाराष्ट्र के लोग मराठी और हमारे जो मुख्य भारत के जो लोग होते हैं, जो मुख्य जो कि मध्य में आते हैं, वह अधिकतर हिंदी भाषा बोलते हैं। उसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, ये सभी जो भाषाएं बोलते हैं हिंदू भाषाएं बोलते हैं हिंदी। वाइल द स्क्रिप्ट्स ऑफ लैंग्वेज डिफरेंट लैंग्वेज रिमेन द सेम डे आर स्पोकन इन डिफरेंट फॉर्म इन डिफरेंट रीजन्स। फॉर एग्जाम्पल्स, द पंजाबी स्पोकन इन अमृतसर रीजन ऑफ पंजाब इज क्वाइट डिफरेंट देन द पंजाब इन फिरोजपुर रीजन्स। दिज वेरिएशन इन लैंग्वेजेज आर कॉल्ड डायलैक्ट्स। इन इंडिया देर आर मोर देन 500 डायलॉग्स ऑफ द डिफरेंट लैंग्वेजेज। जब जो स्क्रिप्ट होता है, जो लिखावट होती है विभिन्न भाषाओं की, उसमें बोलने का जो होता है, जो विभिन्न प्रकार का रूप विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों से आता है, उदाहरण के रूप में जो पंजाबी लोग बोलते हैं अमृतसर में, वो पंजाबी विभिन्न प्रकार के फिरोजपुर क्षेत्र से आता है। पंजाबी जो कि फिरोजपुर के क्षेत्र से आता है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो भाषाएं होती हैं उसे डायलेक्ट भी कहते हैं। भारत में 500 से अधिक जो कि विभिन्न प्रकार की भाषाएं जो कि बोली जाती हैं। रिलीजियंस, धर्म्स। देर आर मेनी रिलीजन्स इन इंडिया। पीपुल हैव डिफरेंट फैथ एंड बिलीफ्स।
They follow different way or rituals to pray and appease their gods. While Hindus, Islam, Sikh, Jainism, Buddhism, Christianity are commonly known religions, but all these have subsect as well. Each one follow different custom of faith. Some religions dictate and way of life, like Jainism propagates vegetarianism, and the Sikhs wear turbans, etc. कई प्रकार के भारत में जो धर्म होते हैं, जो लोग होते हैं, विभिन्न प्रकार के पूजा और आस्था से जुड़े होते हैं, वे विभिन्न प्रकार के तरीके से, विभिन्न प्रकार के रीति से प्रार्थना करते हैं अपने देवता का. जबकि हिंदुत्व इस्लाम सिख जैनिज्म बुद्धिज्म क्रिश्चियनिटी, यह जो कि विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों से जाने जाते हैं, और ये अपने अपने देवता की पूजा करते हैं. प्रत्येक जो होता है आस्था में, यह अपना एक रीति रिवाज होता है. कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जो जैनिज्म का जो जीवन होता है वह वेजिटेरियनिज्म होता है, मतलब कि शुद्ध शाकाहारी होते हैं. जो सिख होता है वो पगड़ी पहनता है, यह उनकी पहचान होती है. इस्लाम जो कि एक फिक्चर दिया है बच्चों, जो कि मुसलमानों के लिए होता है. फेस्टिवल्स त्यौहार, डिफरेंट फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री. दे आर आइदर रिलेटेड टू रिलीजन्स. विभिन्न प्रकार की जो त्यौहार होते हैं हमारे देश में हर जगह मनाए जाते हैं, या तो वे धर्म से जुड़े होते हैं या फिर वो फसल से जुड़े होते हैं. सम आर रिलेटेड टू सीजन्स एंड सम ऑफ कॉमेमोरेट पॉलिटिकल अचीवमेंट्स. लेट अस सी देम वन बाय वन. कुछ ऐसे भी होते हैं जो मौसमी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो राजनैतिक जुड़ाव से होते हैं. हम उसे एक एक करके देखेंगे. रिलीजन बेस्ड, धर्म के आधार पर. देयर आर मेनी फेस्टिवल बेस्ड ऑन रिलीजन्स. द हिंदूज हैव फेस्टिवल लाइक दशहरा, दिवाली, होली, वाइल द मुस्लिम हैव द ईद उल जुहा एंड ईद उल फितर. द क्रिश्चियंस हैव द क्रिसमस एंड ईस्टर, एंड द जैंस हैव महावीर जयंती. द बुद्धिस्ट हैव बुद्ध पूर्णिमा. द सिख हैव गुरु नानक जयंती एज देयर मेन फेस्टिवल. यहाँ कई ऐसे त्यौहार जो कि धर्म के आधार से जुड़े होते हैं. हिंदू का जो त्यौहार होता है दशहरा, दिवाली, होली, जबकि मुसलमानों का ईद होता है, बकरीद होता है. जो क्रिश्चियन होते हैं उनके लिए क्रिसमस और ईस्टर होता है. जैन धर्म में महावीर जयंती, बौद्ध धर्म में बुद्ध पूर्णिमा, सिखों के लिए गुरु नानक जयंती जो कि मुख्य त्यौहार होता है. नेशनल फेस्टिवल, राष्ट्रीय त्यौहार. द नेशनल सेलिब्रेट इट्स इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे एज नेशनल फेस्टिवल विथ लॉट्स ऑफ पॉम्प एंड शो. दीज आर ऑर्गेनाइज्ड टू कॉमरेट द बर्थ ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया एंड द मेकिंग ऑफ द रिपब्लिक बाई अडॉप्टिंग इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन. राष्ट्र की जो त्यौहारें होती हैं वह स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस, जो कि राष्ट्रीय त्यौहार जो कि एक बहुत ही उल्लास को देखता है, बताता है. यहाँ जो भारत के इंडिपेंडेंट, भारत के जन्म पर, मतलब भारत की जब स्वतंत्र हुआ था, अभी जो बीता हुआ 15 अगस्त, बच्चों जानते होंगे इस दिन हमारा भारत जो कि पूर्णतः आज़ाद हो गया था. और रिपब्लिक डे हम लोग क्यों मनाते हैं, क्योंकि रिपब्लिक गणतंत्र दिवस के दिन हमारा जो देश था वो अपना एक संविधान बनाकर उसे अपनाया गया था, इसलिए हम लोग रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं. देखिए बच्चों, ये दिया गया है यह पिक्चर फेस्टिवल ऑफ इंडिया. देखिए आप देखेंगे यहाँ पर मस्जिद का रूप है और यहाँ पर कई लोग नमाज अदा कर रहे हैं. यह होली जो कि हिंदुओं का प्रसिद्ध त्यौहार है, और यहाँ पर एक ऐसे हमारे देश में असम का जो आसामी नृत्य होता है यहाँ पर दिखाया गया है. डिफरेंट डांसेस फ्रॉम्स भारत के, बहुत ही कथकली जो कि यहाँ पर नृत्य को दिखाया गया है. इस तरह बच्चों, आप लोग का यह सेकंड पार्ट हमने शेयर किया है. बहुत जल्दी हम नेक्स्ट पार्ट शेयर करेंगे. तब तक के लिए दैट्स ऑल. थैंक यू.